जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर, अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं, इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, इसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिएगा, कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है, मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है सूत जो, तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है, लेकिन मच्छर इतना छोटा है और काटे भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी, क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा, छोटा है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करता है। आप देखेंगे मधुमक्खी वगैरह या पीला रंग का जो हाड़ा होते हैं सर, अगर वो घूम के आते हैं, आप किताब से इसे मारिएगा, झाड़ू से मारिएगा तो दब उग जाते हैं सही से, और फिर आप जाएंगे तो उठ के भाग जाते हैं सर, क्योंकि उनका कंकाल बाहर का होता है, वो अंदर रक्षा कर देता है। जैसे आप कॉकरोच को देखिएगा, कॉकरोच को इसे मार दीजिएगा, पैर से कूच काच दीजिएगा तो इसे टें करके हो जाएगा, अंदर इसे देखेगा सर कचर दिया हमको, अब चल जाएंगे तो चल जाएगा, मार के तोड़ दिया हड्डी मेरा, और उधर कोना वोना में जाएगा, एक दो दिन में अपने से ठीक होके मुरुक तुरुक जाता है तो सही हो जाता है। तो ये सब जो था, चींटी को भी देखिएगा, आप चींटी को मसलिएगा ना तो हल्का कड़ा लगेगा आपको, आपको मांस टाइप का नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा कड़ा लगेगा। अब चींटी इतनी छोटी ही होती है कि वो कितना मजबूती दे सकती है, लेकिन अपने हिसाब से सुगा उगा को पकड़िएगा। ये सब क्या है सर, जितने जीव होते हैं सर, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इनकी रक्षा कैसे किया जाएगा, ये सबको पता है कि हमारी रक्षा कोई नहीं करने वाला है, ना हमारे को पहनने के लिए कपड़ा रहेगा ना कुछ, इसलिए ये लोग क्या है लोग भाई, तो ये बाह्य कंकाल वाले होते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट। इन लोगों को देखिएगा तो ये कौन से हैं भाई, ये आंतरिक कंकाल है, यानी इंडो स्केलेटन है, इनका जो कंकाल तंत्र है स्केलेटन है, इनके शरीर के अंदर है। अब गाय बत्तख मुर्गा मुर्गी सुअर ये जितने हैं सब, इनके शरीर के अंदर कंकाल होता है। अब ऐसे थोड़ी ना देखेंगे कि शरीर के बाहर इनका कंकाल है, इनके बाहर केवल एक सींग आपको भले मिलेगा। मुर्गी का हड्डी कहाँ रहता है, बार बार रहता है, मुर्गी काटेंगे चिकन उकन तब ना अंदर हड्डी वगैरह रहता है। तो ये जितने भी ये जो टर्टल होता है, कछुआ, इस ससुरा कछुआ कौन कंकाल होता है, तो ध्यान से समझिए, इसमें दोनों कंकाल होता है। ये जो इसका जो पीठ है, ये जो पीठ वाला हिस्सा है, ये है आपका बाह्य कंकाल, इसके बाहर कंकाल है। लेकिन जो ये थुथुर निकाला है ना, इसका ये जो थुथुर है ये आंतरिक कंकाल है। जो इसका गोड़ है, गोड़ वगैरह, जो इसका लेंगरी समझते हैं, पूंछ, तो पूंछ जो है ना इसका लेंगरी, तो पूंछ में भी आंतरिक कंकाल है। तो ये कछुआ को पता है कि बाह्य कंकाल पे कोई कितनो पीटेगा, हमारा बाह्य कंकाल मजबूत है, हमको उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोनो हमारा थुथुरे पूंछ दिया, हमारा लेंगरी पूंछ दिया, पैर पूंछ दिया, तो हमको चोट लगेगा, क्योंकि इसमें कंकाल तो है नहीं, इसका कंकाल अंदर है। तो इस ससुरा बहुत होशियार होता है, देखता है कहीं खतरा है ना तो सब अंदर उन्दर डाल कैसे बैठ जाता है, कहता है कि लो मार वहां पे, अब मारते रहिए ऊपर, ठक ठक कुछ नहीं होने वाला है, अब कछुआ उलाट देंगे तो फिर इसके अंदर कमजोर हो जाता है। तो कछुआ का ये वाला हिस्सा जो है वो बाह्य कंकाल, और थुथुर वगैरह जो है वो आंतरिक कंकाल। अब इस ससुरा कंकाल जो बना किससे रहता है, तो हमारा जो कंकाल बना होता है वो हड्डी का बना होता है, और एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन, और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम लोग, में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त रहेगी, उसका चीता आराम से धधक जाएगा, और किसी किसी में फास्फोरस की कमी रहेगी तो उसको उतना अच्छा से नहीं धधकेगा, तो लोग कहेंगे बहुत बड़का पापी है। अरे भाई पापी कौन चाहिए, बेचारा खाया पिया नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई थी तो उसको पापी बोलो, खैर ये सब अलग चीज है। ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा, कार्टिलेज आप भी देखे होंगे, चिकन उकन खाए होंगे, तो हड्डियां जो होता है ना ये काटिले, ये बड़ी हड्डियों के नोक पर पाया जाता है। लेग पीस वगैरह खाएंगे ना तो थूर थार के नहीं आदमी खा जाता है, वो क्या खा जाता है, काटिलेज। ये कान पे क्या होता है, काटिलेज होता है कान पे, देखिएगा ना महिला सब कान छिदवा लेती है सर, है नीचे वाला जो छिदवाती है सर तो चलो समझ में आता है, ये पूरा छिदवा देती है सर। अरे भाई घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपया में छिदाता है, ये तो टेंशन उसको है ना जो उसको ले जाएगा, उसको पहनाना पड़ेगा उसमें। तो ये जो कान है ना ये क्या है, काटिलेज। नाक क्या है, काटिलेज। लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है, क्यों चिपका है, क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा, तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लैक्मे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होके जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उस
उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो यहाँ पर, पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, अनौरातन में तो पूरा पेट उठ सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है, तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। जाता था जिसकी सास बहुत मानेगी उसी का मेहंदी लाल होगा, ससुरा चाइनीज मेहंदी लग गया है, जिसकी सास मर भी गई है उसका भी एकदम खतरनाक लाल कर देता है, और लड़कियां इसी को प्रीफर करती हैं, सुबह शादी में जाना है तो रात में लगाओ एकदम चटकार लाल कर देता है, और दो दिन बाद ऐसा उजड़ता है जिसे लगता है कोट फूट गया। लेकिन ये लोगों के तत्काल जरूरत को पूरा कर देता है, किस किस चीज को रोकेंगे, महिलाओं का जो कॉस्मेटिक आइटम है उस पर चाइना का कब्जा होते जा रहा है, लिपस्टिक को जो ठोड़ रंगने वाला होता है उससे लेके कॉस्मेटिक, एक से क्रीम पाउडर आ गया है ना कि आप चेहरा पे रंगिए ना तुरंत गोरा कर देते। हम लोग चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में देखिए ना, मुनचुआ का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला बाल काटने वाला था, इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को ना एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधर हो जा रहा है, इसे ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फॉल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फॉल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था, उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें। चाइना अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है। देखिए हमारे यहाँ बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है, बनारसी साड़ी देखिए ये बहन जी पहनी है कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन भारत ने अपनी बनारसी साड़ी एक सूडान नाम के देश को निर्यात